हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बोलिए जय श्री राम। भाई यार, आज लोगों को आज पता है कि रामनवमी है। रामनवमी के शुभ अवसर पे तो हम लोगों को यहाँ से रैली निकलने वाला है भाई, यहाँ पे पूर्णिया से, मधुबनी से, जो कि खतरनाक रैली होगा भाई, जो कि आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, दिखाते हैं भाई। अब आग लगेगा, आज दिखाते कि क्या होता है, आज खतरनाक रैली निकलने वाला है। तो भाई मैं तो पैदल अभी घर से आया हूँ, लगभग नहीं, मैं तो अभी घर से आया हूँ भाई, यानी टोटो पकड़ के, और अभी तो पैदल चलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास तो बाइक वाइक है नहीं कुछ, तो ऐसे चलना पड़ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है भाई। तो भाई यार, अभी वहाँ से निकलना, अभी तो मधुबनी से मैं तो पूर्णिया में आ चुका हूँ, बट अभी जा रहा हूँ मधुबनी की तरफ ही, जो कि भाई पैदल हूँ, दिखा सकता हूँ। तो चलिए, अभी रॉक होने वाला है भाई, एक कतई जहर, खतरनाक वाला एकदम। चलिए, भाई यार अभी मुझे मधुबनी जाना है पैदल ही, क्योंकि वहाँ से ही रैली निकलता है तो हर साल। तो अभी भाई देखते हैं। अरे भाई यार, भटकना पड़ रहा है यार, कोई देख नहीं रहा हूँ भाई, कुछ पता नहीं, नज़र नहीं आ रहा यार, किधर हो रहा है भाई, किधर अपना प्रोग्राम सेट है मुझे पता ही नहीं है भाई। बट लेकिन अभी यहाँ ये तो पता है कि यार मधुबनी से होता है हर। तो भाई यार बने रहो, कंटिन्यू यार, मैं दिखाता हूँ यार क्या सीन है। अभी तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैं पहले भटक रहा हूँ यार, अभी पता नहीं तैयारी यार इतनी ज़्यादा, मैं लगता है ज़्यादा जल्दी आ गया। ओ भाई, भाई लोग जा रहे यार, तलवार लाना भूल गया भाई, क्योंकि यार ऑटो से आया तो तलवार नहीं ला पाया, भूल गया था। तो भाई यार चलो चलते हैं, देखते हैं आगे कहाँ पे क्या सीन है। चलो, आ चुका हूँ पार्क के अंदर यार। भाई अभी तो मुझे काफ़ी वेट करना पड़ता, तो लगा कि चलो यार उससे बेटर है कि यार यहीं पे चलते हैं, अंदर ही मौज करते हैं। तो ये देख लो, टिकट मिल गया, मार भी दिया बंदे ने। ये देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो भाई यार, ये थे अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यार भाई, मैं भी पहली बार आया हूँ इस पार्क में, तो अभी तो मैं सही से घूमा नहीं, घूमते हैं और बाकी यार चलो ना, अभी दिखाता हूँ, रोकर बात यार। तो मैं दिखाता हूँ भाई यार, अभी भाई मुझे काफ़ी टाइम बैठना पड़ता है किसी के इंतज़ार में यार, और बाकी अभी तो रैली निकला नहीं है, तो उसके अभी काफ़ी टाइम बैठना पड़ता है। मैं अकेले आ गया हूँ गांव से, मेरा कोई आया नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो देखते भाई, मैंने सोचा चलो पार्क चलते हैं यार, पार्क में घूम के आते हैं। तो भाई यार चल, मैं दिखाता हूँ यार, पूरा फन करेंगे एकदम, दिखाता हूँ यार भाई। ओहो मज़े, कतई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा भाई यार, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एक दो बंदे हैं जो कि साफ सफाई में लगे हुए हैं, और बाकी तो बैठ जाओ यार भाई। तो भाई यार, मेरी आवाज़ भी ना सही से नहीं आएगी, क्योंकि पता है उधर साइड में ना, क्योंकि वो कीर्तन हो रहे हैं, रामनवमी है, तो आप लोगों को पता है कि रैली निकलने वाला है। तो भाई अभी मंदिरों में कीर्तन हो रहे हैं, आस्था मंदिर में, तो भाई आस्था मंदिर के साइड में ही है ये पार्क का। तो भाई अभी चलो, पहले आप लोगों को दिखाता हूँ यार। तो भाई यार चलो, पहले पार्क देखते हैं यार, घूमते हैं पहले, फिर आगे बैठेंगे, क्या सही है ना। ये देख लो भाई, पार्क का नज़ारा आ गया है भाई तुम्हारा, ये तेरा भाई झूला झूलेगा झूला। झूला झूलना भाई, ओए हे। तो भाई बहुत ही मजा आ रहा है, ओए हे। तो भाई झूले का मजा तो ले लो यार, जब पार्क आया हूँ तो अंदर तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए।
तो भाई पार्क यार कतई जहर, सच में लाजवाब है भाई। तो आपका भाई, तो भाई यार तेरा भाई यार अभी फोटो क्लिक करेगा एक दो। तो भाई यार फोटो क्लिक कर लिया मैंने यार, इतना फोटो खींचना, फोटो खिंचवा खिंचवा के परेशान हो गया। अब देख भाई इधर देख ले यार, यार जो जो नहीं आया ना आके मजे ले लो यार पार्क में। ज़्यादा टिकट है नहीं, टिकट का रेट यार बस ना 10 रुपये लगते हैं यार। भाई मुझे लगा कि मैं पैसे भी कम लेके आया था, तो लगभग मैं 100 रुपये थे मेरे पास यार, तो मैंने सोचा भाई चलो देखते कहीं साला टिकट ज़्यादा मांग ले तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई घर भी जाना है और कहीं और जाना है भाई। ओ तेरी क्या यार भाई, इधर तो नदी भी है यार, देख भाई यहाँ पे तालाब भी बना रखा है। भाई अभी तालाब दिखाएगा यार, पानी भी से नहीं है, नहीं तो नहा भी लेता यार। भाई नहाता नहीं हूँ, बहुत ही गंदा बंदा। तो दिखाता हूँ मैं, चलो यार मैं दिखाता हूँ भाई। कभी कभी ना मैं आप लोगों को बताऊँ यार, ये मैं ब्लॉगिंग करता हूँ ना, जैसे मैं अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो यार ब्लॉगिंग में कंफ्यूज सा हो जाता, और कभी कभी मुझे ना याद आ जाती है इलविस भाई की। इलविस यादव आप लोगों ने देखा होगा, भाई यार मेरा फेवरेट है, मैं फैन हूँ, बहुत ही बड़ा फैन हूँ उनका। उनका हर एक ब्लॉग मैं देखता हूँ, कोई सा ब्लॉग मिस नहीं करता भाई यार। ब्लॉग तो मैं बनाता हूँ भाई, बट उसके जैसा यार बनाना और मेरे बस की नहीं है भाई। कुछ बना लो मैं अलग बना लो, बट उसके जैसा नहीं बना पाऊंगा भाई। बंदे में जान है भाई, कुछ कतई जहर, लाजवाब बंदा है भाई यार। इलविस भाई को लव यू यार दिल से एकदम। तो चलो यार भाई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चलो बैक कैमरे से दिखाता हूँ यार, ऐसे कोई मेरे साथ में है नहीं जो कि दिखाए नज़ारा यहाँ का, तो मैं ही दिखाऊँगा। चलो ये देखो भाई, ये रहा तालाब, बना हुआ है तालाब, लेकिन पानी बहुत गंदा है यार, बहुत कचरा है। दिखाता हूँ आप लोगों को, ये तो भाई बागीचा लगा के रखा है आम का। एक चूतिया बंदा मैं ही हूँ जो कि साला इधर, वो भी रामनवमी के टाइम पे इधर घूम रहा हूँ यार पार्क में, पार्क में वो ना सच में चूतिया हूँ यार। तो यार कोई बंदा दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करूँ, चूतियागिरी भी करना पड़ता है, क्योंकि यार भाई कोई दिखता अभी तो, अबे घुस जाएगा तेरा भाई किसी में भी। तो भाई मुझे रैली छोड़ के लगता है कहीं जाना पड़ेगा, कहीं जाना था किसी से मिलने, तो भाई वो आ रहे हैं, बट उसके साथ में भी कहीं आना है, तो यार पता नहीं, देखते क्या होता आगे आगे। बहुत ही मूड ऑफ हो गया फ़ोन करके भाई। चलो कोई नहीं, आ जाओ अपनी करने का, जय श्री राम। अरे सब भाई उनमें बोल दो जय श्री राम। तो भाई अभी देखना क्या खतरनाक होने वाला है। तुम्हारा भाई यार बांध रखा है एकदम गमछा वमछा, एकदम देख लो सन्नी देवल के स्टाइल में, बाल भी बना रखा है भाई ये बड़ा बड़ा एकदम खतरनाक वाला। तो बाल तो थोड़े से कटवाने हैं यार, दाढ़ी भी बड़ी बड़ी हो गई है, साइड दाढ़ी मैंने सेट करवाया नहीं। तो चलो यार देखते यार, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इधर ही, मैं ज़्यादा, मुझे बकने की बहुत ही ज़्यादा बीमारी है, तो मैं ज़्यादा बकूंगा तो इधर वीडियो हो जाएगी लंबी। तो भाई अभी दिखाते यार, अभी तो उधर फिर दिखाई नहीं पाऊंगा, तो चलो यार दिखाता हूँ यार भाई। तो भाई यार मैं तो अभी जा रहा हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे अभी भाई आ गए हैं, मैं जा रहा हूँ बाहर, अब देखते हैं आगे का क्या सीन है, मैं दिखाता हूँ यार भाई। तो भाई यार मैं फाइनली आ चुका हूँ घर, और टाइम हो चुका है 8:30 बज गए यार रात के। तो यार पता नहीं मैं वीडियो भी एडिट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं भाई,
कुछ मजबूरी थी यार भाई, मैं जो कि मिला आप लोगों को दिखा नहीं पाया सही से पूरी रैली, जो कि बहुत ही ख़तरनाक रैली होती है यार भाई, मैं नहीं दिखा पाया, सॉरी। जहाँ तक कोशिश होगा मेरा मैं दिखाऊंगा, और जहाँ तक मैंने शूट किया है तो यार उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई मैं यहाँ से सुबह ही चले गया था, आप लोगों को बताया था पैदल यानी कि ऑटो से ही चले गया था, मेरे पास साधन है नहीं, बाइक है नहीं, तो इतना सुबह चले गया ना, जाके कुछ टाइम रुकना पड़ा और कहीं जाना था भाई, क्योंकि मुझे रैली छोड़ के भी जाना पड़ा, कुछ टाइम तक रुका और रैली छोड़ के जाना पड़ा कहीं। तो यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट बोल दीजिए जय श्री राम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो यार सपोर्ट करें आप लोग, चैनल को करें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी दबा दें, लाइक कमेंट शेयर एकदम बजा के रख दो भाई, जय श्री राम। तो यार टाइम भी कुछ ज़्यादा हो चुका है, अभी वीडियो को करना है थोड़ा सा एडिट, मेरा रिचार्ज भी ख़त्म हो गया है, पता नहीं भाई 2-3 दिन तक वीडियो आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा ये नहीं पता, क्योंकि अब मेरा रिचार्ज होगा फ़ोन में तभी भाई अब वीडियो बनाऊंगा, बट डालना ये तो पॉसिबल है नहीं, पता नहीं 2-3 दिन तक वीडियो अगर नहीं भी आए तो आप लोग को नाराज़ नहीं होना अपने भाई से, आपका भाई मेहनत तो फुल करता है लेकिन कि क्या करें, पैसे की कमी है, मजबूरी है जो कि मेरा रिचार्ज नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपका भाई दिमाग लगाएगा जहाँ तक हो सके, पूरी कोशिश करूँगा यार रिचार्ज कराने की, बट मेरे पास अभी पैसे तो है नहीं, देखते हैं कल या परसों तक किसी तरह कोशिश करता हूँ, रिचार्ज मेरा आज ही ख़त्म है भाई, तो वीडियो तो शूट करके एडिट करके रखूँगा, पता नहीं कब डलेगा आज ये वाला वीडियो। तो वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, तो बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम।